पंजाब में पंजाबी भाषा पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ पंजाब के वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। लुधियाना में वकीलों के चेयरमैन अशोक मित्तल के नेतृत्व में वकीलों की एक मीटिंग हुई। इस दौरान अशोक मित्तल ने कहा कि पंजाब सरकार का यह फैसला बहुत ही गलत है, मातृभाषा पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं है। मेरा नाम अशोक मित्तल है, वकील है, मैं लुधियाना कचहरी च। इतने लुधियाने का जिला बार संघ का प्रधान है, तो सारे वकीलों ने पंजाब के ते सैकटरीज ने 25-5 में मैं चेयरमैन चुनिया सीगा। मेरी नुमाइंदगी हेठ अज इत मीटिंग कॉल की सी, असी जिहड़ी पंजाबी लैंग्वेज में खत्म करने लई गवर्नमेंट ने कोई उपराला किया सीगा उस मसले से सीगा, असी एक फैसला लिया। वैसे तो गवर्नमेंट ने एक अज के अखबार जारी करती है खबर के भी असी ये साड़ा मतलब नहीं सी, पर फिर भी असी फैसला लिया भी किसी भी हालत में पंजाबी भाषा को खत्म नहीं होने देंगे, चाहे वह अदालत हो चाहे बाहर हो। संघर्ष मैं ये भी ऐलान किया भी चाहे सानू अपन जाना ना देनिया पैन, असी मातृ भाषा को ना छड़ांगे। साड़ी पंजाबी बोली है, पंजाब च रहने हैं, पंजाबी मर जिंदे हैं, पंजाबी मरांगे। दूजा फैसला असी लिता है कि भी जिहड़ा 2 दिन सैकेंड ते फोर्थ सैटरडे साड़ी छुट्टी होंदी है, फस्ट थर्ड सैटरडे शनिवार आ जिहड़ा छुट्टी नहीं होंदी, वह असी 5 दिनों की डिमांड है वह भी पूरी करके छड़ांगे। दो ही फैसले लिते है। मैं थोड़ा बहुत तह दिल तो धन्यवादी हाँ कि तुसी टाइम कढ़ के आए हो। मैं ये भी समझदा कि जो मीडिया है वो साड़ी आवाज़ सरकार तक पहुँचाऊगा कि असी संघर्ष करांगे, पंजाबी नूं खत्म नहीं होने देंगे जो मर्जी हो जाए।